हेलो वेलकम बैट गोविंद, आई एम गोविंद, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना। जैसा कि आपको पता होगा 6 जून को हम लोग इंटर्नशिप और पीजी फेलोशिप की जो राशि है उसको बढ़ाने के लिए स्ट्राइक किए थे, और आज जो है वो मेरी जो डिमांड था वो बिहार सरकार से पूरा हो गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार को। और मैं ये चीज़ आज हमारे साथ जो है मेरे रिस्पेक्टेड जीतू बोस है, डॉक्टर जीतू बोस, पीजी फर्स्ट ईयर के हैं, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। तो बॉस से जानना चाहेंगे कितनी राशि बढ़ी यूजी और पीजी और पीएचडी की। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आपको गोविंद, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया, और धन्यवाद पूरे वेटनरी को जिन्होंने इतनी मतलब चिलचिलाती धूप में 10 दिन तक लगातार संघर्ष किया अपने हक को लेकर के, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें आज ये सुखद परिणाम मिला कि हमारी राशि बढ़ा दी गई है, जो कि हमारा एक बहुत लंबे समय से मांग था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राशि है वो ये सिर्फ हमें जो हमारा विश्वविद्यालय है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय उसके अंतर्गत जो 3 बाकी कॉलेजेज हैं उनके भी छात्रों की राशि बढ़ा दी गई है हमारे साथ, तो उन्हें भी बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। उनके लिए तो सरप्राइज हुआ होगा बस। हाँ, तो वो हालांकि वहाँ के छात्र हम लोग को, हमारे छात्रों को, हमारे दोस्तों को, सबको मैसेज कर रहे हैं, हमारा आभार प्रकट कर रहे हैं कि उनके हमारे संघर्ष के कारण उन्हें भी फल मिल गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो आज सरकार की तरफ से जो राशि बढ़ाई गई है, यूजी इंटर्नशिप की राशि जो पहले हमें 5,000 मिलती थी उसे बढ़ा करके 15,000 रुपये पर मंथ किया गया है। ये जो पीजी फेलोशिप की राशि जो सबसे न्यूनतम थी यहाँ पे मात्र 1,800 रुपये, उसे बढ़ा करके 4 गुना उसे बढ़ाया गया है, और उसे बढ़ा करके 7,650 रुपये मतलब 7,650 रुपये पर मंथ किया गया है। साथ ही पीएचडी की भी राशि उन्हें बढ़ा दी गई है, उन्हें बढ़ा करके 12,000 रुपये पर मंथ किया गया है। तो ये सरकार का एक छोटा ही पर शानदार मूव है, हालांकि हम इसे बेहतर की उम्मीद कर रहे थे कि हमें बाकी जो मेडिकल के इक्विवेलेंट किया जाए, लेकिन फिर भी हमें संतोष है इस चीज़ से कि हमारा एक लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर है। बस तो मीन्स क्या हम जो जो बिहार और फिर अदर स्टेट्स में भी, अदर वेटनरी कॉलेजेस में भी, क्या ये जो सॉल्यूशंस होता है लास्टली स्ट्राइक करने से ही क्या मिलता है, इसका क्या रीज़न है, मतलब क्या है ना इस चीज़ को गवर्नमेंट सोचती है और हर 3 इयर्स 5 इयर्स पे इसको जो है रिविज़न किया जाए इस अमाउंट को। हाँ, उसका सबसे एक जो बड़ा ड्रॉबैक है हमारे फील्ड का, भले हम ये सोचें कि हम ऊँची रैंक पे एडमिशन लेते हैं, नीट के थ्रू हम लोग आते हैं MBBS के बाद और BDS के बाद हमें हमारे जो हम या हमारे जो छात्र हैं वो एडमिशन लेते हैं, हमारे जो बाकी दूसरे कोर्सेज हैं ह्यूमन मेडिसिन के, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे बाकी फार्मेसी हो, यूनानी हो, जो भी होम्योपैथ हो, तो उसमें उनके इक्विवेलेंट मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम वेटनरी के जो फील्ड है हमारा वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, और यही हमारे लिए एक थोड़ा सा संघर्षमय की स्थिति हो जाती है यहीं पे। हालांकि अब इस उम्मीद में हम हैं कि पिछली कैबिनेट में, मोदी सरकार के पिछली कैबिनेट ने हमारा मंत्रालय अलग किया कृषि एवं कृषि से, हाँ कृषि पशु को उन्होंने पशुपालन अलग किया, और उसके पहले मिनिस्टर बनाए गए गिरिराज सिंह, फिर अभी बस एक क्वेश्चन है मेरा, जो यूजी में है 15,000 से और पीजी में 7,650 रुपीज, ये ऐसा क्यों? ये तो मुझे कोई भी जानेगा तो उन्हें अटपटा लगेगा। हम जब मीडिया में इस चीज़ को देते थे कवरेज के लिए, तो पहले वाले मीडिया में वो लोग शौक हो जाते थे कि पीजी के छात्रों को मतलब मात्र 1,800 और उसको 1,800 मतलब उनसे कम मिलता है, और कम इतना कम। तो पता नहीं, सरकार का बातें तो करती हैं सरकार की, हम उच्च शिक्षा को बहुत बढ़ावा देंगे, उनके रिसर्च पे खर्च करेंगे, लेकिन ये पैसा जो पहले मिलता था वो तो कहीं से न्याय संगत नहीं था। 1,800 रुपये मिलते, अगर उससे आप एक दिन का जोड़े तो 60 रुपये होता था, और हमारा एक पॉपुलर नारा भी हुआ करता था हमारे हड़ताल के दौरान कि 60 रुपये मजदूरी है, ये हड़ताल ज़रूरी है। तो 60 रुपया एक दिन के हिसाब से आप सोचें कि उससे क्या हो सकता है। हाँ, अब जो हमें राशि बढ़ाई गई है वो भी एक समझे कि ऊँट के मुँह में जीरा के लायक है। एक आप उच्च शिक्षा कोई पा रहा हो, अगर वो पीजी कर रहा हो तो उसकी उम्र भी 25 साल से जनरली ऊपर वहीं जाती है, क्योंकि वो मेडिकल में उनकी चाहत होती है कि वो MBBS में जाए, लेकिन वो चले आते हैं। तो ऐसे करते करते हमें लगता है कि इसे अमाउंट को एटलीस्ट यूजी से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हायरार्की लेवल पे ये ज़्यादा सही है कि आप पीजी के छात्रों का उससे मनोबल बढ़ता है कि आप अगर पैसा अगर यूजी के छात्रों से, आप सोचिए ना कि पहले 5,000 रुपये मिलता था और पीजी के छात्रों को मात्र 1,800 रुपये, उनसे लगभग 3 गुना कम था। हालांकि इस बार सरकार ने हमें 4 गुना बढ़ाया है, उन्हें 3 गुना बढ़ाया है, तो अंतर अब हमारा अंतर हो गया है 2 गुने का। हम 7,500 पे हैं, वो 15,000 पे हैं। तो क्या आप सरकार से उम्मीद रखते हैं जो आने वाले दिनों में हमारे जो पीजी जो है, पीजी की राशि यूजी की राशि से जरूर है, मीन्स यदि पीजी को यदि 15,000 से मिलती है तो आप यही एक्सपेक्टेड रखते हैं जो मीन्स, तो पीजी को एटलीस्ट 15,000 से ज़्यादा मिलना चाहिए, 20, 25 या 30? देखिए, तत्कालिक तो नहीं लेकिन दीर्घकालिक जरूर है ये,
ये हमें उम्मीद है कि अभी सरकार तत्काल तो भले ना सोचे, लेकिन हमें उम्मीद जरूर है और ये विश्वास है कि ये होगा। और ये हमारे, चूँकि ये लहर हम भी नहीं सोच सकते थे कि हमें हमारे बाकी जो कोर्सेज हैं, जैसे हमें PhD का पैसा बढ़ा, चाहे बाकी दूसरे कोर्सेज का पैसा बढ़ा, डेली और फिशरी, तो ये खुद हमारे लिए सरप्राइजिंग था। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा संघर्ष या सरकार के साथ लगातार हम पत्राचार करेंगे तो चीज़ें उनके पास ध्यान में आकर्षण में जाएगा कि नहीं, ये चीज़ें न्याय संगत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पैसा बढ़ेगा। तो आखिर बॉस ये चीज़ जानना चाहेंगे, जो UG है, UG तो हमारा जो एक ऑटोनोमस बॉडी अलग कर दिया गया, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया है, लेकिन PG को क्यों नहीं एक ऑटोनोमस बॉडी में डाल दिया जाता है इसको? अब हमें वही है कि सबसे बड़ा कि ICR के साथ, इनके साथ उनको कंबाइंड रखने के साथ, ICR के साथ वो सारा काम रहने से वो चीज़ें एक ढंग से चीज़ चल नहीं पाती है। अब पता नहीं ये एक वो जो गवर्निंग काउंसिल है हमारी, वो पता नहीं वो उनके दिमाग में क्या है चीज़ों को लेकर के, कि हायर एजुकेशन लेके या फिर रोजगार का जो स्तर है, उनको लगता है कि मैक्सिमम लड़के UG से निकल जाते हैं, ऊपर का रुझान, जैसे आप सिंपल सा देखिए, एक MBBS की डिग्री और उसके बाद PG में वो जो छात्र रहते हैं, पैसा ज़्यादा है उनके पास, एक्सपोजर है, एक भीड़ लग रहता है, PG में कई गुना ज़्यादा कंपटीशन होता है UG के अपेक्षा। बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको मतलब 2-4 साल लगने के बाद भी ये नहीं होता है, जो UG में अच्छे छात्र होते हैं उनको PG में, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा वो एक ड्रॉबैक है। अगर इसके प्रति उनका जाएगा तो वो तभी जा सकता है जब उनका पैसा बढ़ाएंगे, बाकी सब चीज़ करेंगे, रुझान बढ़ेगा लोगों को रिसर्च और बाकी प्रति, नहीं तो UG करने के बाद जनरली वो रोजगार की ओर मुड़ जाता है। तो क्या लगता है बॉस, यदि आप गवर्नमेंट से ये चीज़ का डिमांड रखा जाएगा, जो हमारा जो जैसे PG अभी है जो ICR के अंदर में आता है, जो JRF कंडक्ट करती है, उसके थ्रू जो है मीन्स इंडिया के सारे वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन मिलती है, तो क्या आपको लगता है ये चीज़ जो गवर्नमेंट को एक अलग PG ऑटोनोमस जो है काउंसिल बनाया जाए या फिर VCR के ही अंडर में डाला जाए, ICR के अंदर में रहेगा? तो ऑफकोर्स यदि हम लोग डिमांड करते हैं जो एग्रीकल्चर मीन्स, यदि वेटनरी को MBSC को जो मिलना चाहिए, यदि हम PG बहुत अच्छा अमाउंट डिजर्व करते हैं, तो ऑफकोर्स वो लोग भी चाहेगा, हम लोग एक ही अलाइड में आते हैं, ICR के अंदर में आते हैं, जितना उन लोग को मिलना चाहिए उतना हम लोग को भी मिलना चाहिए, क्या इसलिए कभी गवर्नमेंट हम लोग को उसमें नहीं डालना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, ICR को जैसा लगता है या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर हम चूँकि अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से हैं, अगर हमें ये हमारी मांग पूरी हो जाती है तो ये सुगाहट नहीं, एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा बाकी कोर्सेज के द्वारा। यस, एग्रीकल्चर वाले भी चाहेंगे जितना वेटनरी को मिल रहा है उतना हमको भी मिलना चाहिए। हाँ, हम भले ये सोचें कि हम ऊंची रैंक से एडमिशन लेते हैं, ये लेते हैं, लेकिन हमारे वो साथ हैं, हमारे साथ हैं, तो ये दिक्कत हमें आएंगी, वो सरकार को दिक्कत ये आएंगी, क्योंकि आप तो एक ही एग्जाम कंडक्ट करते हैं JRF, और JRF में जो है वेटनरी भी है, एग्रीकल्चर भी है, और भी सेक्टर और भी एग्जाम होती है। तो ये हमारे काउंसिल को सोचना पड़ेगा, हमारे जो ऊपर के जो IBA या बाकी जो यूनिट हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लोगों को सोचना पड़ेगा और उन्हें मेहनत करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हमें चीज़ें लगती है जैसे कि वहाँ से थोड़ा सा एक मतलब उस टाइप का रुझान नहीं है कि जो बडिंग वेट्स हैं, जो नए बडिंग वेट्स हैं उनके लिए एक चीज़ें सकारात्मक तरीके से चले। आप इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहली बार 2016 बैच के जो छात्रों ने, वो एक साल का इंटर्नशिप उनके लिए लागू हुआ, हमने ये अप्रैल में बिहार में हमने खत्म किया, 1 अप्रैल को हमारी 31 मार्च को हमारी इंटर्नशिप खत्म हुई थी। तो हमें 5,000 रुपये पहले मिलते थे जैसे आपको ज्ञात है, तो 5,000 रुपये में हमें 3,000 ICR के कोटे से मिलता था, 2,000 हमें बिहार सरकार देती थी। तो जो 6 महीने का पैसा मिला था वो मैं सितंबर में मिला था पिछले साल, तो 6 महीने का हमारा अप्रैल से इंटर्नशिप शुरू हुआ था, मैं सितंबर में पैसा मिला था, तो 6 महीने का हुआ हमें 30,000-5,000 के हिसाब से। इस 6,000 का फिर होता है 30,000, जिसमें से आप 3,000 के हिसाब से ICR कोटे की 18,000 और 12,000 रुपये इस ये बिहार सरकार के खाते से। अब क्योंकि सारे कोर्सेज में ICR के जो कंडक्ट होते हैं उसमें इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होता है वो था 6 महीने का, ICR को ये कन्विंस ही नहीं कर पाए या मिस इन्फॉर्मेशन इनका रह गया कि हमें मात्र सिर्फ स्टेट कोटे का बाकी रेस्ट ऑफ 6 महीने का पैसा मिला, तो हमें मात्र 12,000 रुपये ही मिले, पूरे इंटर्नशिप का 18,000 रुपया जो हमें 6 महीने का मिलना था वो नहीं मिला। तो आप सोचिए ये छोटे लेवल पे ये इतना बड़ा मिस्टेक कि जो नया एक वेटनरियन निकल रहा है जो कल होकर PG या बाकी फील्ड में जाएगा उसके मन में क्या आएगा कि हमें अब जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं मिला, तो बोल रहे हैं कि नहीं ICR पैसा ही नहीं भेजी, हमारा VCI बॉडी उसको बोल ही नहीं रहा। मतलब बॉस का कहना ये है जो हमारा जो VCI है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वो MBSC 2016 के अकॉर्डिंग जो है वन ईयर का इंटर्नशिप कर दिया गया, ड्यूरेशन को 6 मंथ से बढ़ा करके 1 ईयर कर दिया, लेकिन अभी तक जो ICR के द्वारा जो फंड मिलती है इंटर्नशिप अलाउंस उसको पता ही नहीं दिया, इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, जो हम लोग ने इंटर्नशिप के जो है ड्यूरेशन वो 1 ईयर कर दिए हैं, ताकि वो तो पुराना ही मीन्स जो नियम पे चल रहे हैं वही 6 मंथ अभी भी है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ड्रॉबैक दिख रहा है आपको हमारी काउंसिल का? हाँ, ड्रॉबैक तो है, लेकिन चलो हमारे वो सीनियर्स हैं, बाकी सब चीज़ें सही होंगी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन एक प्रयास होना चाहिए चीज़ों को लेके कि आप देखो प्रयास अगर होता है एक समय से अगर चीज़ें मिलती है ना तो एक अच्छा लगता है। अब हम पहले साल में हम जब फर्स्ट ईयर में थे उस समय हमने हड़ताल शुरू की इंटर्नशिप के पैसों को लगा के, हम जब इंटर्नशिप में थे फिर हमने हड़ताल की,
जब हम पीजी आए फिर उसके लिए लड़े, तो पीजी में आए पीजी के लिए पैसे भी लड़े, इंटर्नशिप के लिए भी लड़े। तो अब देखिए जो हमारे साथ बाकी जो बैचेज नीचे बैचेज के जो लड़ रहे थे हमारे साथ, उनको कितनी खुशी होगी कि चलो हम जिस जब हम फाइनल ईयर में जाएंगे तब हमें लड़ना नहीं पड़ा, हमें पहले ही चलो बढ़ के ये पैसा मिल गया, उन्हें कितनी खुशी होगी, होगी ना। तो बस वही बात है कि चीज़ें अगर हायरार्की लेवल पे हमारे जो ऊपर रहेंगे अगर उनको कुछ सैक्रिफाई कुछ जोर लगा करके हमारे लिए करना होगा, तब एक आकर्षण पैदा होगा कि नहीं हमारे जो ऊपर के भी लोग हैं वो सिंसियर हैं इस चीज़ को लेकर कि नहीं हमारे लिए वो सोच रहे हैं। तो जैसा कि बॉस बोले, जब तक कि हम लोग का जो है एलाइड सेक्टर्स को हटा करके पीजी को पीजी फेलोशिप यदि हम लोग एक अलग सा ऑटोनोमस बॉडी नहीं बना दिया जाता है, तब तक जो है हम लोग जो वो जो स्लोगन यूज करते हैं वी वांट इक्विलिटी, तो वो इक्विलिटी नहीं हो पाएगा एमबीबीएस पीजी के अकॉर्डिंग। तो इसी लेकर के जो है इसीलिए हमको ये लगता है, चूँकि इंटर्नशिप को बढ़ाने को लेकर के जो है बिहार से ये क्रांति शुरू हुई थी और अभी पूरा भारत देश में लगभग हर डिफरेंट कॉलेज जो है, अभी कुछ मंथ पहले ही राजस्थान वेटनरी कॉलेज में हड़ताल किया गया, वहाँ भी बढ़ा 14,000 कर दिया गया, 3500 से तो 14,000 कर दिया, फिर हरियाणा में ऐसा हुआ, फिर VHU में हुआ और अभी फिलहाल जो है त्रिपुरा गढ़वासू में हुआ, और अभी फिलहाल आज दो दिन पहले जो है वो लोग जस्ट हम लोग को देख करके त्रिपुरा वेटनरी कॉलेज में वहाँ भी जो है स्ट्राइक अभी चल रही है। तो हम लोग क्या लगता है बॉस, जो बिहार से एक ये क्रांति शुरू होगी जो एक ऑटोनोमस बॉडी पीजी को मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको बिहार हर चीज़ों का केंद्र रह गया है क्रांति का, मीन्स क्रांति चीज़ें की वो होती है ना शुरुआत इनिशिएशन, क्योंकि हम लोग तो इंटर्नशिप को बढ़ाने के लिए इनिशिएशन लिए थे बिहार से और आज पूरा रिवॉल्यूशन हो गया पूरा ऑल इंडिया में। तो बिहार पौराणिक युग से ही अपनी क्रांति के लिए जाना जाता रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर हो रहे, चाहे वो गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन जानते हैं हमने जहाँ ड्यूटी की बापू धाम उन्होंने शुरू की थी, वो सत्याग्रह नील हटाओ सत्याग्रह वो शायद था। और फिर तो बात दरअसल ये है कि आवाज़ कहीं से उठे ये नहीं है कि हम बिहार का ये कहीं की बात करें, वेटनरियन को ये समझना चाहिए पहली बात, कहीं भी रहें आप हमें एक यूनिट की तरह रहना है, कहीं भी रहें किसी कोने में। आप जैसे देखें हमारे पैरेलल हमने हमारा स्ट्राइक शुरू हुआ जस्ट अगले दिन गढ़वासू का स्ट्राइक शुरू हुआ, हम दोनों ने मिलकर एक दिन ट्विटर स्टॉर्म एक हैशटैग लगा के हमने स्टार्ट किया। तो हम लोग संख्या में कम हैं, हमारी आइडेंटिटी तभी बनेगी जब हम समूह में रहेंगे, जब यूनाइट होकर ऑल इंडिया हमें यूनाइट रहना है। किसी वेटनरी कॉलेज के हमारे छात्र हैं आप अपने हक और बाकी चीज़ों को लेके हर हमेशा मुखर रहें, अगर आप मुखर रहेंगे देर लगेगी लेकिन अंधेर नहीं है। तो जैसे कि जो एक्चुअली हम लोग कुछ दिन पहले जब डीन VC सर के साथ जब मीटिंग होती थी तो उनके द्वारा एक ही चीज़ बोली जाती थी जो आपका जो है एलाइड सेक्टर में पीजी है इसीलिए करके गवर्नमेंट नहीं चाहता बढ़ाने के लिए, तो आप ऑल इंडिया वेटनरी से जो है जितने भी सारे कॉलेजेज है और वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसके लिए ये मुहिम लाया जाए जो हमारा जो है मीन्स पीजी को एक ऑटोनोमस बॉडी मिलना चाहिए, क्या आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा और एक यूनाइट रहने के लिए क्या आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज हमारा कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ है तो थोड़ा सांस तो लेने दीजिए। तो बिहार से हम लोग जरूर है स्टार्ट करेंगे एक पीजी को एक ऑटोनोमस बॉडी मिले और उसी तरह से MBBS को जितना मिलता है पीजी में उतना ही एक वेटनरी को भी मिले। तो मैं इसी के साथ मुझे लगता है ये चीज़ करना चाहिए, हर एक वेटनरी स्टूडेंट्स को जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में, और उम्मीद है जो हम लोग इस चीज़ को बस बहुत ही कम दिनों के बाद आफ्टर 6 मंथ के बाद जो है इस चीज़ को हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से हो या VCI काउंसिल को जो है लेटर देना पड़े या सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर देना पड़े उस चीज़ के लिए हम लोग जो आगे फॉरवर्ड होंगे। बॉस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम आपके व्यूअर्स के लिए चाहे बाकी जो भी वेट्स हैं उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि आप वेट गोविंद को फॉलो करें और आपको वेटनरी से रिलेटेड या एकेडमिक से बाकी जो भी हैं वो सारी जानकारियाँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो आप इनके चैनल को एक जिन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को लाइक करें, अब चूंकि एक चेहरा भी बन चुके हैं ये, शेयर भी करें और शेयर भी करें, एक यहाँ के आंदोलन का चेहरा भी रहे जो हमारी रिसेंट हड़ताल हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें प्रमोट करेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।